लगातार अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें श्रावस्ती से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज श्रावस्ती दौरा रहेगा, बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रेस्क्यू किए गए 11 लोगों से बातचीत करेंगे, बाढ़ राहत शिविर का भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण भी यहां पर किया जाएगा सीएम द्वारा। बलरामपुर में भी सीएम योगी निरीक्षण करेंगे, तो बाढ़ प्रभावितों से आज मुलाकात करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दो जिलों के दौरे पर रहेंगे श्रावस्ती और इसके बाद बलरामपुर। श्रावस्ती और बलरामपुर में जो बाढ़ प्रभावित एरियाज हैं, जहां पर बाढ़ आई और लोग यहां पर बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए, जिन लोगों का रेस्क्यू इन दोनों जिलों में किया गया है बाढ़ से, उन लोगों से मुलाकात करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां इन क्षेत्रों का दौरा करके यहां का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। हवाई सर्वेक्षण इन एरियाज का करेंगे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और साथ ही में बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत के साथ साथ राहत सामग्री का वितरण भी लोगों को यहां पर किया जाएगा सीएम द्वारा। इस वक्त की बड़ी जानकारी श्रावस्ती से। और यहां पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन भी ऐसे कई इलाकों का, कई क्षेत्रों का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर लोग मौजूद है, जिनका रेस्क्यू किया गया है, जो बाढ़ से प्रभावित थे। बीते दिन भी ऐसे कई इलाकों का निरीक्षण सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और वहां पर भी पहुंचकर लोगों से बातचीत की, लोगों का हौसला वहां पर बढ़ाया और उन लोगों को भी वहां पर किट्स का वितरण किया, राहत सामग्री का वितरण किया। और आज भी इसी प्रकार, इसी तरह से, इसी क्रम में दो जिलों के दौरे पर रहकर श्रावस्ती और बलरामपुर में लोगों से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रप्रकाश शुक्ला श्रावस्ती से लाइव जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रप्रकाश, आज दो जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं और श्रावस्ती के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। श्रावस्ती पहुंचेंगे और यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे, ये दौरा आज सीएम योगी का कितना खास और क्या पूरी जानकारी? आपको बताना चाहूंगा, 11:40 को ये श्रावस्ती के राप्ती बैराज पहुंचेंगे। तत्पश्चात राप्ती बैराज से बने घट बढ़ते हुए जलस्तर की निगरानी करेंगे। साथ ही तलाशी जो कैंप है, जो एक कैंप बनाया गया है जहाँ पे वहाँ पे जाकर लोगों से जानकारी लेंगे। पश्चात रेस्क्यू किए गए 11 परिवारों से मिलेंगे, मिलने के बाद उनको राहत सामग्री और संतावना देंगे। साथ ही साथ जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करेंगे। जी बिल्कुल चंद्रप्रकाश, तो ये तो देखा जाएगा ही, ये तस्वीरें भी सामने आएंगी कि बाढ़ प्रभावित लोगों से सीएम योगी मुलाकात करेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार अब बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है, तो क्या प्रशासन इसके लिए तैयार है, स्थिति से निपटने के लिए ग्राउंड जीरो पर प्रशासन कितना मजबूत नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाढ़ से पूर्णतः निपटने के लिए श्रावस्ती प्रशासन पूर्णतः अलर्ट मोड पे है। इससे पूर्व में आई भीषण बाढ़, क्योंकि 56 गांव ऐसे थे जो बाढ़ से घिरे हुए थे, बाढ़ प्रभावित थे, जिला अधिकारी और पूरी टीम जितने भी प्रशासन की थी दिन रात मेहनत करके उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। साथ ही राशन पानी आदि का वितरण किया गया। अगर बात की जाए श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती का जलस्तर इस समय जो सामान्य स्तर पे बना हुआ है, लेकिन बाढ़ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी बाढ़ लोगों के घरों तक पानी अभी जमा हुआ है, जल जमाव से लोग परेशान हैं। इसी को देखते हुए सीएम योगी का आज सर्वेक्षण है और वो बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण भी करेंगे। निरीक्षण के साथ साथ बाकी जो पीड़ित परिवार हैं उनसे उनको मिलकर संतावना देंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जी बिल्कुल चंद्रप्रकाश, तो आज का ये श्रावस्ती दौरा सीएम योगी का बेहद महत्वपूर्ण। आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बता दें आपको कि भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जगहों की अलग अलग बारिश के आफतकाल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश आफतकाल बनकर बरस रही है और लोग इससे पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। बाढ़ जैसी स्थिति की वजह से लोग परेशान हैं और जगह जगह से लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। प्रभावित हैं लोग भारी बारिश से, बाढ़ से।
कई जगहों पर जलभराव जैसी स्थिति भी निर्मित हुई है और कई फीट ऊंचे तक यहां पर पानी भरा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां लोग किस तरह से नजर आ रहे हैं और लोगों के घरों में भी अब पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं भारी जलभराव की वजह से। तो ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बाराबंकी से। सरयू नदी खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर है। नेपाल के बराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ रहा नदी का जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। 3 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुके हैं। रामनगर, सिरौली, गोसपुर के गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं और जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव में यह बाढ़ का पानी अब पहुंच गया है। फसलें, स्कूल, सड़कें, घरों तक पानी पहुंच गया है और जलस्तर बढ़ने से लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त और प्रभावित है। रामनगर, सिरौली, गोसपुर तहसील के गाँव का यह मामला बताया जा रहा है और ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर बाराबंकी से सामने। और अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे सीतापुर से, जहां पर ग्रामीण अपना घर अपने हाथों तोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। घाघरा के बढ़ते जलस्तर और कटान के चलते मजबूर लगातार कटान कर गांव के किनारे आ पहुंची घाघरा नदी हर वर्ष नदी में समा जाते हैं। कई मकान रेउसा ब्लॉक के गौड़ी बजहा गांव में निवासियों ने यहां पर अपने मजबूर होकर घर तोड़े हैं। ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर सीतापुर से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और यहां पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में जलभराव की स्थिति है और कई फीट ऊपर तक यहां पर पानी भरा हुआ है और बाढ़ जैसे हालात, लोग बेहाल परेशान। और तीसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे लखीमपुर से। भीषण बाढ़ के बीच बड़ी प्रशासनिक लापरवाही यहां पर सामने आई है। बाढ़ में खाद्यान्न वितरण नाव के टेंडर ही नहीं किए गए। बाढ़ पीड़ित रोटी के लिए तरस रहे हैं, अफसर टेंडर करना ही भूल गए। टेंडर में देरी के चलते ना खाना मिल रहा है और ना ही नाव की सुविधा। अब सीएम योगी के दौरे के बीच टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। ये बड़ी प्रशासनिक लापरवाही लखीमपुर से निकलकर सामने आई है, जहां पर पूरे इंतजाम, पूरी व्यवस्था ही लोगों के लिए नहीं की गई है। बारिश को देखते हुए किसी तरह के इंतजाम यहां पर नहीं किए गए हैं और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं तो उसके बीच में यहां पर टेंडर की प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा पूरी की जा रही है, लेकिन इस बड़ी भूल की वजह से प्रशासन की लोगों को यहां पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तीसरी तस्वीर लखीमपुर से आपके सामने। और चौथी तस्वीर आपको बताएंगे बस्ती की, जहां पर टेढ़वा में बंधे से सटकर धारा नदी बह रही है और अशोकपुर मांझा भी धीरे धीरे अब इसकी जद में आ रही है। जान जोखिम में डालकर नाव से सफर किया जा रहा है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पानी में नाव से सफर कर रहे हैं आगे जाने के लिए। बिना लाइफ जैकेट, बिना लाइफ सपोर्ट के बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है इन नाव में बैठकर और जिला प्रशासन 3 स्टीमर 5 नाव लगाने की पुष्टि कर रहा है। यहां पर प्रशासन द्वारा पुष्टि की गई है लेकिन लोगों के पास कोई इंतजाम या कोई व्यवस्थाएं नहीं है यहां पर इस पानी को पार करने के लिए और आगे अपने काम पर जाने के लिए। खतरे के निशान से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर सरयू नदी बह रही है और इसकी वजह से यहां पर बस्ती इलाके में इस तरह के स्थिति निर्मित हुई है और लोग इस वजह से प्रभावित हैं। ये चौथी तस्वीर बस्ती से। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक मामला सामने आया है, जहां बारिश के बीच बिजली के कहर ने एक बच्ची सहित 5 लोगों की जान ले ली। आपको बता दें कि थाना एलाव में एक, बेवर में 3 और भोगांव में 1 किसान की मौत हो गई है और इसकी वजह से मृतकों के घरों में शोक का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाराबंकी में शादी करने दूल्हा बारात लेकर गाजे बाजे के साथ नाव से पहुंचा।
दूल्हे को देखने को लेकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आपको बता दें, बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायत बल्लोपुर द्वितीय में माधवपुरवा के रहने वाले राम आसरे की बेटी की शादी होनी थी, लेकिन गांव जाने के लिए रास्ता ही नहीं था। दूल्हा राघव राम दुल्हनिया लेने के लिए डीजे बाजा और बराती लेकर नाव से निकल पड़ा। प्रयागराज में हुई तेज बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो दे दी है, साथ ही बारिश से बचने के लिए लोग पेड़ के नीचे सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को उम्मीद है कि आगे भी ये बारिश जारी रहेगी। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां मानसून ने दस्तक दी है और खुलकर पहली बार प्रयागराज में बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं लगातार प्रयागराज में ये बारिश हो रही है। फिलहाल कहीं ना कहीं मौसम ठंडा हुआ है क्योंकि उमस भरी गर्मी से हर कोई परेशान था और ऐसे में प्रयागराज की गर्मी देखने लायक थी, जिससे लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान थे। फिलहाल लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे भी सहारा ले रहे हैं, कहीं कहीं छाते लगे हैं वहां पर भी लोग खड़े होकर सहारा ले रहे हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं मौसम सुहाना हो गया है। फिलहाल हम कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से गर्मी थी ये बताइए, जिस तरह से गर्मी थी पहले और आज बारिश हुई है, कितनी राहत मिली है? काफी राहत मिली, काफी राहत मिली। ये पहली बारिश है जो खुल के हुई है और एक दिन और बारिश हुई थी, लेकिन बीच में जो धूप निकल आया था उससे उमस काफी बढ़ गया था, आदमी का रहना मुश्किल था। तो आज जो बारिश हो गई है उससे उमस से राहत मिली है? उमस से आज अगर कल धूप ना निकले तो राहत मिलेगी, अगर धूप निकल गए तो फिर राहत नहीं मिली। और लोग से भी हम बात करेंगे, बताइए जो बारिश हुई है कितनी राहत लग रही है? राहत ये तो अभी टेम्परेरी राहत है, वैसे तो बस मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ओवरऑल इलाहाबाद में बारिश हो रही है। ऐसे अभी हम लोग फाफा मऊ से आ रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं है, और यहाँ इधर एरिया वाइज जैसा हो रहा है ऐसा नहीं कि रेगुलर हर जगह बारिश हो रही है। देखिए बारिश भी कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही, मगर जिस तरह से आज शहर में बारिश हुई है और तेज बारिश पहली है ये शहर के अंदर, जहां आज लोग कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अब देखना होगा किस तरह से ये राहत रहती है बरकरार या फिर धूप फिर से निकलती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दे, बड़ी जानकारी बता रहे इस वक्त की, बेदीराम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। गैंगस्टर कोर्ट से ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी ये वारंट जारी हुआ है। तो भाजपा विधायक बेदीराम के साथ साथ जो अन्य 17 लोग हैं उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। गैंगस्टर कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है और जानकारी के लिए आपको बता दे, साल 2006 में रेलवे भर्ती का प्रश्न पेपर लीक करने का आरोप इन 17 लोगों पर है और इसी के साथ सुपासपा विधायक बेदीराम पर भी यह आरोप है, जिसके संबंध में यह वारंट जारी किया गया है और गैंगस्टर कोर्ट से यह अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। विधायक बेदीराम के साथ साथ 17 अन्य आरोपी भी हैं जिनके खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है और साल 2006 में पुलिस ने रंगे हाथों विधायक बेदीराम को इसी मामले में पकड़ा था, पर्चा लीक करने का आरोप बेदीराम पर। एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को करवाने की मांग की गई है और इसीलिए यह पत्र लिखा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। पेपर लीक की वजह से परीक्षा निरस्त हुई थी और अब मांग उठाई जा रही है कि यह परीक्षा एक बार दोबारा हो। 6 महीने हो गए सरकार सो रही है, 48 लाख अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है। सांसद चंद्रशेखर आजाद का यह बयान है और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मांग उठाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कि जो पेपर लीक हुआ था उसको लीक हुए 6 महीने हो चुके हैं, अब दोबारा से ये पेपर करवाया जाए। एक पत्र लिखा है सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और इस पत्र के जरिए ये मांग की गई है कि यह परीक्षा एक बार दोबारा से करवाई जाए, पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 करवाई जाए। एक और बड़ी खबर,
बाद बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें यहाँ पर यूपी में चल रहा अवैध बसों का नेटवर्क, बिहार से लेकर दिल्ली तक ये नेटवर्क चल रहा है और उन्नाव सड़क हादसे में ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं, बिना फिटनेस इंश्योरेंस परमिट के ये बसें रोड पर चल रही है। बिहार से दिल्ली तक 16 जगह पर बस की अनदेखी के मामले सामने आए हैं। यूपी में इन अवैध बसों का नेटवर्क चल रहा है और ये जो बड़ा अपडेट है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो हाल ही में उन्नाव सड़क हादसा हुआ उसकी जांच पड़ताल के दौरान ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि यूपी में बसों का अवैध नेटवर्क चल रहा है, अवैध नेटवर्क जारी है और बिहार से लेकर दिल्ली तक ये नेटवर्क चल रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर बसें दौड़ रही हैं अवैध तरीके से। और भी ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे साथ संवाददाता टीएन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, उन्नाव सड़क हादसा हुआ, बेहद दुखद यह दुर्घटना थी और इसके बाद अब यह तथ्य निकलकर सामने आया कि उत्तर प्रदेश में अवैध बसों के नेटवर्क चल रहे हैं। मिश्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी आ रही है जी। उन्नाव सड़क हादसे के बाद अब यह फैक्ट निकलकर सामने आया है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अवैध बसें चल रही हैं, अवैध बसों का नेटवर्क चल रहा है, किस तरह से ये फैक्ट सामने आया, क्या है ये पूरा मामला? देखिए दिशा, सीधी सी बात है कि जब कल जो हादसा हुआ उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कमेटी बनाई थी, वो 3 सदस्यीय कमेटी थी, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, RTO थे और 1 RI थे। इस कमेटी ने जब जो जांच की उसके बाद में जो बस की छानबीन हुई तो ये बस जो है एकदम 3 साल से 2021 के बाद से इसका जो है फिटनेस नहीं थी और ये पूरी रूप से अनफिट बस थी जो सड़क पे फर्राटे भर रही थी और ये 3 साल से बिहार से दिल्ली सासाराम से चल रही थी और दिल्ली तक जा रही थी और इसका नेक्सस इतना तगड़ा था कि पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मिले हुए थे और उसके चक्कर में बस चले। लेकिन ये अकेली बस नहीं है, पूरे यूपी में इतना बड़ा डग्गा मार साम्राज्य है और इस साम्राज्य को लेकर के ये लोग खुद जो है अपने रोक नहीं लगा पा रहे हैं, जबकि प्रवर्तन दल लगातार परिवहन विभाग के हैं। ये बस चली और जो बिहार से चल करके उन्नाव तक पहुंच गई, वहां पर जो ड्राइवर इसका जो है सो गया था, उसको नींद आ गई और ड्राइवर नींद आने के बाद ये बस टैंकर से भिड़ गई। तो इससे ये भी एक बात और फैक्टर उजागर हुआ है कि जो सरकारी बसें इनके ड्राइवर तो 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन प्राइवेट बसों के ड्राइवर 24 घंटे ड्यूटी ली जाती है जिससे वो थकते हैं और ऐसी कई दुर्घटनाएं हुई हैं कि जहां के ड्राइवर जो है झपकी आ गई या उनको नींद आ गई और उसके चक्कर में भिड़ गए और सैकड़ों लोग अब तक ऐसी जान जा चुकी है। तो आज परिवहन आयुक्त ने जो है 4 बजे पूरे यूपी कैप्टनों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग बुलाई है और उनको अब तय करेंगे कि किस तरह लोग सतर्कता बरतें और किस तरह अफसर ज्यादा से ज्यादा जो फील्ड में रहें और ऐसी बसों की कैसे चेकिंग की जाए कि ऐसी अनफिट बसें सड़क पर ना दौड़ें। अब सवाल है कि ये बस की बॉडी सही बनी थी नहीं बनी थी, इसके भी ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि डबल डेकर बस थी, उसमें ऊपर ज्यादा लोड था, 70 लोग इसमें सवार थे, तो 81 चालान इस बस के हो चुके थे 3 साल में, और अगर 81 चालान होने के बाद भी बस सड़क पर चल रही है तो ये माना जाए कि इसमें प्रशासन की और पुलिस की पूरी मिलीभगत है और इन वाहनों को कोई नहीं रोकता है। आम प्राइवेट वाहनों की चेकिंग और चालान तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे गाड़ियों के चालान क्यों नहीं, ऐसी बस सीज क्यों नहीं की गई, इसलिए जिम्मेदार अफसर जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस दुर्घटना के बाद जो जांच रिपोर्ट आई, कल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑन कैमरा जनता टीवी से कहा था कि कोई बक्सा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब जांच रिपोर्ट उनके पास गई तो उन्होंने फिलहाल कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया कि अभी हम एक्शन नहीं लेंगे, अभी हम लोगों को पहले सुझाव देंगे, सतर्कता बरतेंगे और चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा आगे जो सतर्कता बरती जाए। तो अब ये माना जा रहा है कि ऊपर लेवल से लेकर के नीचे लेवल तक, ये जब यूपी की राजधानी की हालत है तो आप पूरे प्रदेश की स्थिति लगा सकते हैं, और दो दो जोनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का क्षेत्र था जहां पर जो कोई जो निर्मल प्रसाद डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लखनऊ के थे उनके समय चेकिंग जो चले होती थी, उसके बाद से करीब 1.5 साल बीत गए हैं, चेकिंग का स्तर एकदम घट गया है और प्रवर्तन विभाग चेकिंग नहीं कर रहे हैं उस तरह से जो होनी चाहिए, और इसी से डग्गा मार वाहनों को मनोबल बढ़ा है और ये सड़कों पर इस तरह जो है आम आदमी जान गंवा रहा है और सस्ते किराए के चक्कर में जो लोग बस में सवार हुए और ड्राइवर सो गया और दुर्घटना हो गई, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, 18 लोगों की जान चली गई लेकिन किसी जिम्मेदार पर एक्शन नहीं लिया गया, ये बात खुल के सामने आ गई है। जी तिशा बिल्कुल। मिश्रा जी, तो आज जो मीटिंग होने वाली है, ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं कि कड़े नियम यहाँ पर लागू किए जाए ताकि आगे ऐसी जाने और इस तरह से ना जाए, दुर्घटनाएं ना हो। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और खबरों में आगे बढ़ेंगे।
विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जनता टीवी ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी का निर्णय होगा, जबकि अभी ऑफिशियली कोई भी बयान बीजेपी की तरफ से सामने नहीं आया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। संजय निषाद जी हमारे साथ हैं, गॉडफादर ऑफ फिशरमैन। संजय जी, उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारी है? तैयारी है और ग्राउंड पर हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, मझवा में, कटहरी में और जो भी बाकी और जिले में जो है वहाँ जिले की कमेटी है। बाकी दो सीटें जहाँ निषाद पार्टी लड़ी थी वहाँ हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी गए। लेकिन भाजपा तो अपनी बैठक में कह रही है कि अब सहयोगी दलों को सीटें नहीं दी जाएंगी। ऐसा कहीं आधिकारिक बयान नहीं है, हमेशा जब आधिकारिक बयान आएगा तो उसको बताएंगे। एक हादसा हुआ उन्नाव में आज, 18 लोगों की मौत हो गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार की गलती है, मॉनिटरिंग नहीं हुई, सड़कों का रखरखाव नहीं हुआ और वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं जो पुलिस की वो मॉनिटरिंग नहीं कर रही थी, देख रहे इसकी वजह से कि कहीं ना कहीं सरकार पे आरोप लगे इस हादसे के भी। नहीं, जो देखिए विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप लगाने का पूरा अधिकार है, लेकिन अब जिसकी घटना पर हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं और आगे ऐसी घटना न हो उसके लिए हम लोग चिंता कर रहे हैं। और वो मानवीय त्रुटि की वजह से है कि एक टैंकर जा रहा हो पीछे से उसको बगल से उसे लड़ जाए और आधे लोग, तो उसमें सरकार का और किसी पुलिस का कोई दोष नहीं। एक्सप्रेस वे पे अमूमन जिस तरह की NHI की गाड़ियाँ रहती हैं, CCTV कैमरे 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है, तो कहीं चूक हुई क्या? नहीं नहीं, जिस जगह घटना हुई है तो हर जगह तो कैमरे नहीं लगाए जा सकते। वो जब घटना हुई है तो स्पीड हाई थी और आपने देखा होगा दोनों चलती हुई गाड़ी है, ओवरटेक में हुई है, तो वो दो गाड़ियों में वो गाड़ियां कहाँ खड़ी थी, किस क्षेत्र में थी, अपने रेंज में था कि नहीं था, इसके लिए अवेयरनेस हम जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि लोग जो चलें वो कम से कम सुरक्षित चलें और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करें। हाथरस घटना के बाद 123 लोग उसमें मारे गए, कहा जा रहा है कि बाबा को बचाने की कवायद हो रही है। कोई कुछ भी कह सकता है, जांच रिपोर्ट आई है, जांच के आधार पर लोग कराएंगे, किसी को कोई आपत्ति है तो लगाए फिर उस पर विचार करेगी सरकार। अच्छा, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को भी आप फिलहाल कहाँ देख रहे हैं? देखिए उपचुनाव में हम लोग जितनी सीटें थी वो जीतेंगे और जो सपा ने जीता था उसमें भी हम लोग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। संजय निषाद जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि उपचुनाव पर तैयारी है, फिलहाल जो मामला है उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से बैठकें हुई भाजपा में उपचुनाव को लेकर और कहा जा रहा है कि सहयोगी दलों को इस बार सीटें नहीं दी जाएंगी। फिलहाल इनका कहना है कि बातचीत का दौर चल रहा है, आने वाले समय में कुछ सीटें भी मिल सकती हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तो खुद जनता टीवी लखनऊ। लखनऊ में ललित कला अकादमी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवाजे इमाम हुसैन की याद में एक खास अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद शामिल हुए। आपको बता दें कि हजरत इमाम हुसैन और इस्लाम धर्म से संबंधित पेंटिंग, फोटोग्राफ्स और इस्लामिक कैलीग्राफी शामिल की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।